उदयपुर द्वारा महाराजा अग्रसेन का 5148वां जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से सवा महीने तक आयोजित कार्यक्रमों के बीच में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रमों के बारे में हमारे समाज के अध्यक्ष माननीय श्रीमान शशिकांत जी केतान साहब जो सवा महीने तक चलने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। श्रीमान केतान साहब, हमारे द्वारा ये जो सवा महीना होता है इसको हम लोग बिल्कुल फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो अग्रसेन जी महाराज थे, हमारे देवता मानो या हम उनके सब वंशज हैं, तो इसको हम सवा महीने को बहुत ही एक अलग रूप में मनाते हैं। अभी हमारा जो प्रोग्राम है उसका ब्यौरा इस तरह से हमने रखा है, 8 सितंबर को हमारा जैसे अभी जो प्रोग्राम चल रहा है आज फील्ड क्लब के अंदर, इसमें खेलकूद प्रतियोगिता है जिसमें छोटे बड़े बच्चे, बड़े बच्चे, बड़े लोग, महिलाएं सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें जो भी फर्स्ट सेकंड होता है इनको फिर हम लोग जब हमारा 28 तारीख को जो प्रोग्राम होगा फाइनल, उस दिन हम सब इनको पारितोषित वितरित करते हैं। 15 सितंबर आने वाले संडे को कैरम, शतरंज, क्यूज व अन्य प्रतियोगिता होती है जो अटल सभा के अंदर हिरणमगरी सेक्टर 4 के अंदर होगी। उस दिन भी इसी तरह से सारे समाज के लोग हैं, जो भी होनहार बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली लोग होते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें जो भी विनर होता है उसको हमारे द्वारा पारितोषित दिया जाता है। उसके बाद में थर्ड वीक आएगा हमारा 22 सितंबर का। 22 सितंबर को हिंदी कविता, निबंध लेखन, सामान्य ज्ञान एवं अन्य प्रतियोगिता होगी। यह प्रोग्राम भी हमारा श्री अटल सभा के अंदर हिरणमगरी सेक्टर 4 के अंदर होगा। इसके अंदर आज के युग में जब अंग्रेजी मीडियम स्कूल चल रही है, हर चीज़ को इंग्लिश से जोड़ा जा रहा है, तो हम लोग इसके अंदर जो हिंदी कविता है जो पीढ़ियों से चलती आई है, जिसमें मिठास होता है कि हिंदी क्या चीज़ है, जो बच्चे धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। आजकल ऐसे ऐसे पढ़े लिखे परिवार भी हो गए हैं जिनके घर के अंदर भी बात अंग्रेजी में बोलनी चालू कर दी, तो उस चीज़ को हम प्रोत्साहित करने के लिए और ये हमारी जो हिंदी कविता वगैरह, निबंध लेखन, सामान्य ज्ञान, इनकी प्रतियोगिता रखते हैं जो थर्ड वीक में हमारी होगी। 28 सितंबर जो हमारा फोर्थ वीक होगा उसके अंदर विचित्र वेशभूषा, नकल नृत्य, एकल नृत्य सॉरी, पुरस्कार वितरण, मेघावी छात्र छात्रा सम्मेलन। अब इसमें जो विचित्र वेशभूषा होगी उसमें बच्चे अलग अलग तरीके से अपनी वेशभूषा के रूप में आएंगे, तैयार होकर आएंगे, अलग अलग रूप में वो अपनी तैयारी करेंगे, जिसके लिए वो कई महीनों से, कई मतलब पूरे साल तक लगभग बच्चे इसके लिए बड़े तैयार रहते हैं, मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि हमको प्रोग्राम करना है। एकल नृत्य तो आप समझ ही सकते हो कि किस तरह के बच्चे करते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, जिन बच्चों में कला होती है वही कर सकते हैं। बाकी आज की तारीख में तो आदमी, समय ऐसा आ गया कि वैसे 24 घंटे नाचता रहता है आदमी, लेकिन मंच के ऊपर और अपना जो डांस करना और ये बच्चों के द्वारा करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। पुरस्कार वितरण, मेघावी छात्र जो बच्चे होनहार होते हैं समाज के अंदर, जिन्होंने किसी भी तरह की डिग्री हासिल करी है या जिसने कोई योग्य काम किया है या जिसने समाज के लिए कुछ किया है, उन बच्चों को हम लोग छात्र का सम्मान करते हैं, छात्र छात्रा दोनों का सम्मान करते हैं। यह प्रोग्राम भी हमारा अटल सभा के अंदर हिरणमगड़ी सेक्टर 4 में होगा। 29 सितंबर जो हमारा फाइनल प्रोग्राम होता है, भव्य सांस्कृतिक संध्या होती है, इसके अंदर अध्येता विकास एवं अन्य सम्मान तथा पुरस्कार वितरण होता है। ये भी हमारा अटल सभा के अंदर हिरणमगरी सेक्टर 4 के अंदर होगा। ये हमारे चारों प्रोग्राम 4 संडे को होंगे। उसके बाद में जब हमारी जयंती आएगी 3 अक्टूबर को, उसके अंदर धूमधाम से महाराज अग्रसेन जी का हमारे द्वारा स्वागत किया जाएगा, और उस दिन हवन, पूजन, आरती, झंडारोहण, हम अगर ये बोल रहे हैं तो हमारे अग्रवालों कि उसी दिन दिवाली है, उसी दिन त्यौहार है और उसी दिन सब कुछ है, तो उसी रूप में हम लोग इसको करेंगे। झंडारोहण प्रातः 8:30 बजे होगा अग्रवाल भवन सूरजपुर उदयपुर के अंदर। फिर हमारी भव्य शोभा यात्रा होगी, महाप्रसादी होगी निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय चंपालाल धर्मशाला के अंदर। सांस्कृतिक संध्या शाम 4 बजे से वो होगी। और उसके अलावा उस दिन जो हम लोग, अब की बार हमारे यहाँ पर 5 समाज है, 5ों समाजों ने मिलकर डिसीजन लिया है कि उस दिन हम किसी भी यहाँ का जो व्यक्ति होगा, जो ज़रूरतमंद आदमी होगा, जो हमारे यहाँ पर एक रसोई चलती है इंदिरा रसोई, उनके थ्रू या हमारे खुद के थ्रू हम जितने लोगों को यहाँ भोजन वितरित कर पाएंगे, जिसे एक भी प्राणी, भगवान ने जब जीवन दिया है तो एक भी आदमी भूखा नहीं सोता है, लेकिन उस दिन हम कोशिश करेंगे कि उस दिन उसका जो पेट है वो हमारे समाज के द्वारा भरा जाए, और उसके लिए हम लोग सब प्रतिज्ञ हैं और हमने दृढ़ निश्चित बना रखा सारी टीम ने कि उस दिन हम सब करके और सब लोगों को हमारे हाथ से और जैसे एक मेहमानबाजी करते हैं उसे करके हम सारे मेहमानों को और ये इस बार आप नए जोश के साथ एक युवा अध्यक्ष आया प्रवासी अग्रवाल समाज में। अखबारों की सुर्खियों में छाया हुआ है कि आप कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए शादी की व्यवस्था करेंगे, तो ये कोष आप किस तरह से बनाएंगे, वह
अग्रवाल समाज जो अपने गरीब और वंचित परिवार हैं समाज में, उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसके पे कुछ प्रकाश डालेंगे? देखो साहब, इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक समाज वो होता है जिसको हमको बताना पड़ता है कि भैया इतना पैसा आएगा, इसमें तू घर चलाएगा, इसमें तू बच्चों को पढ़ाएगा, इसमें वो। हमारा समाज वो है जिसको बताना नहीं पड़ता, उसको जगाना पड़ता है। सब सभ्य समाज है, धनाढ्य समाज है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा नाम अगर अग्रबंधु है तो शायद हम सारे समाजों में हम अपने आप को अग्र मानते हैं, और हम अग्र मानते हैं तो उनको जगाना पड़ता है कि ये खर्चा है और इसको हम ऐसे पार्टिसिपेट करें। हम चार मिठाई की जगह दो मिठाई खाएंगे, नहीं खाएंगे, क्या फ़र्क पड़ना है? वैसे भी अग्रवाल समाज में ट्रीटमेंट लोगों को शुगर मिलती है, तो हम लोग नहीं खाएंगे। उस पैसों को हम बचा के और जो हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे वो शिक्षा के अभाव में है, चाहे वो मेडिकल में है, चाहे वो एजुकेशन में है, उन बच्चों को हम सपोर्ट करेंगे। उसके सपोर्ट में कहीं कमी नहीं आएगी। मैं भी अपने आप को समर्थ मानता हूँ, कहीं भी हमारे पास में कोई दिक्कत आएगी तो मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें आगे आऊँगा, लेकिन जो भी हमारे पास में आएगा, आवेदन आएगा, उसको हम बिल्कुल बाकायदा पूर्ति करके और उसको हम आगे बढ़ाएंगे राज्य सरकार ने आपको करीब उदयपुर शहर में 17,000 फीट जगह दी, उस पर आप एक अग्रवाल भवन बना रहे हैं, उस भवन की में क्या विशेषता रहेगी और किस तरह का बना रहे हैं, उस पर आप थोड़ा सा जानकारी दें। अग्रवाल भवन बनेगा, राज्य सरकार ने दी थी, गहलोत सरकार ने दी थी, मंत्रिमंडल से पूरी ज़मीन अलॉट हुई थी हमारी। उस ज़मीन के हमने अभी एक्सक्वेशन पार्ट पूरा कर दिया है, हमारी डिजाइन पार्ट चल रहा है, बाउंड्री का काम चालू कर दिया, हमारे लिए वहाँ एक ना ऑफिस तैयार कर लिया हमने। अब हमारा नक्शा मैपिंग के लिए गया हुआ है, वो नक्शा बनेगा, फिर हम इसके अंदर भव्य भवन बनाएंगे, जो एज पर लो होगा उतने रूम बनेंगे, उसमें हमारे सभाकक्ष बनेंगे, हमारे महाराज की फ़ोटो भी लगेगी। उसके अलावा उस भवन का जो यूज़ किया जाएगा, उसका जो खर्चा निकालने के लिए, मेरी सब इच्छा है, अभी मैं ये बात बोल नहीं सकता ओपन मंच के ऊपर कि समाज इसको एग्री करेगा नहीं करेगा, भाई मेरी इच्छा ये है कि उस भवन को हम जो पहले आएगा पहले पाएगा उसको देंगे। अग्रवाल उसमें फर्स्ट होगा ही होगा, फर्स्ट उससे आवेदन होगा, लेकिन कोई भी समाज का आदमी अगर आएगा और अगर वो उस भवन का यूज़ कर पाएगा तो मेरे को बड़ी खुशी होगी कि कोई भी आदमी उस चीज़ को यूज़ करेगा तो हम उसको सौभाग्यशाली समझेंगे और हम उसको यूज़ करने के लिए देंगे। सार्वजनिक हम इसको भवन बनाने की कोशिश करेंगे, समाज के मंच से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग इसको एग्री करेंगे तो हम इसको सार्वजनिक मंच बनाएंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपका भावपूर्ण उद्बोधन अग्रवाल समाज को इसी तरह और आगे ले जाएं, और शहर में जो अग्रवाल हैं, महाराजा अग्रसेन की एक ईंट एक रुपया का सिद्धांत, समाजवाद का सिद्धांत, आज से 5,148 वर्ष पहले जिन्होंने समाजवाद का प्रणेता बने, उनकी तरफ से समाज में खुशहाली आए। इसी के साथ सभी अग्रसेन भगवान की जय। हमारी मातृशक्ति महिला समिति हैं, वो आपको जो सवा महीने तक जो कार्यक्रम चल रहे हैं महाराजा अग्रसेन के, उसके बारे में जानकारी देंगे। मैं श्रीमती वीना अग्रवाल जयंती संयोजक हूँ। हमारे प्रवासी अग्रवाल समाज अध्यक्ष श्रीमान खेतान साहब के नेतृत्व में अग्रसेन जयंती मनाई जा रही है। उस सारी जानकारी आपने दे दी, लेकिन कुछ मोस्ट जानकारी कविता पाठ के बारे में, ये देवराज जो हत्याकांड हुआ था उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कविता के जो टॉपिक रखे थे उसके अंदर बच्चों की मानसिकता को देखने के लिए हमने पहला टॉपिक रखा था बच्चों की बदलती मानसिकता, क्योंकि आजकल जो अपन ये सांप्रदायिक जो देख रहे हैं उसको हटाकर यदि अपन बच्चों के बारे में जानकारी ज़्यादा रखेंगे तो परिवार का भी उद्धार होगा, समाज का भी उद्धार होगा। साथ ही उनमें जो रिश्तों के बारे में जो गहराई है उसके बारे में भी हमने एक टॉपिक रखा कविता पाठ के अंदर, रिश्ते कि पिता पुत्र का भी होता है, माता पुत्री का भी होता है, इस तरह से हमने रिश्ते के कविता का शीर्षक रखा है। बोलो अग्रसेन महाराज की जय। मैं हमारे महिलाओं में एक प्रतियोगिता रखी जाती है सास बहू सम्मान, तो ये एक संयुक्त परिवार के लिए एक प्रतियोगिता है। इसमें संयुक्त परिवार को प्रोत्साहित किया गया है और उसके अंदर जो जितने वर्ष तक उसके अंदर रहेगी उनको विनर मतलब घोषित किया जाएगा। तो और इसी के साथ में अग्रसेन जी का जो जन्मोत्सव है उसको एक पर्व के रूप में अग्रवाल समाज मना रहा है और हर वर्ष मनाता रहता है और आगे भी हर वर्ष मनाता रहेगा। धन्यवाद। एक पॉइंट और है, इसी की कंटिन्यूशन में एक बात कहना चाहूँगी। आज की जो संस्कृति है सनातन धर्म के बारे में मानी जाती है, इसी के उपलक्ष्य में हमारे अध्यक्ष महोदय खेतान साहब ने एक कविता पाठ के अंदर ही एक पॉइंट रखा है, आरएसएस के अंदर जो प्रार्थना करी जाती है अग्रवाल समाज के अंदर मंच पर आकर जो भी बच्चा उस प्रार्थना को पूरी बोलेगा उसको सम्मान दिया जाएगा, चाहे वो एक हो, पाँच हो, दस हो, जितनी भी प्रार्थना मुख जबानी बोलेगा खेतान साहब के द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि, ये सब समय समय सांस्कृतिकता को बढ़ाने के लिए कविता का प्रोत्साहन देने के लिए रखी गई है।
जय हिंद जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।